सो वेलकम बैक गाइज एंड गाइज, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो है आप लोगों को कहा होगा कि भाई ये जो बंडल है वो गोल्ड रोल के अंदर आने वाला है। एंड इवन मैंने खुद ने भी कहा था आप लोगों को कि ये जो बंडल है गोल्ड रोल के अंदर आ सकता है, बट गाइज अब गरीना फ्री फायर वालों ने जो है इस बंडल को कर दिया कैंसिल गोल्ड रोल के लिए। एंड अब आप लोगों को जो है एक न्यू बंडल देखने को मिलेगा गोल्ड रोल के अंदर। एंड पता है मजे की बात क्या है, वो जो न्यू बंडल होने वाला है ना वो खुद गरीना फ्री फायर वालों ने जो है कन्फर्म कर दिया है। एंड अगर आप लोग इस वीडियो को वॉच करते हो तो मैं आप लोगों को 100% क्या 200% कंफर्म्ड होके बता दूंगा कि नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल कौन सा होने वाला है। अच्छा तो ठीक है गाइस, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये तो मालूम पड़ ही जाएगा कि नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल कौन सा होने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि हमारा जो नवंबर मंथ का एलीट पास होने वाला है ना उसके मेल एंड फीमेल के बंडल कैसे होने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नवंबर मंथ के एलीट पास के मेल एंड फीमेल दोनों के बंडल भी दिखा दूंगा। तो भाई वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नवंबर मंथ के एलीट पास के मेल एंड फीमेल के बंडल तो दिखाऊंगा ही, प्लस गाइस अगर आप लोगों को नवंबर एंड दिसंबर दोनों मंथ के एलीट पास का पूरा रिव्यू चाहिए हो एंड आप लोग जो एडवांस में देखना चाहते हो नवंबर एंड दिसंबर मंथ का एलीट पास, तो गाइस आप लोगों को नीचे के रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सिंपली मेरे भाई उसको क्लिक करना, बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसको क्लिक करना है, ऑन करके ऑल पर प्रेस कर लेना। अगर गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो कल आप सभी लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि नवंबर एंड दिसंबर मंथ का एलीट पास कैसा होने वाला है। तो ठीक है गाइस आप लोग जो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नवंबर एंड दिसंबर मंथ के एलीट पास के पूरे रिव्यू वाली वीडियो तो कल चैनल के ऊपर आएगी, बट गाइस हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आप सभी लोगों के एक क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं, बिकॉज आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि भाई जो फ्री फायर मैक्स है उसे हम लोग कब से डाउनलोड कर पाएंगे एंड कब से खेल पाएंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, बिकॉज फ्री फायर मैक्स जो है वो पिछले महीने से जो है स्टार्ट हो गए थे उसके प्री रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह, बट फ्री फायर मैक्स अब तक प्ले स्टोर के ऊपर नहीं अवेलेबल हुआ इंस्टॉल करने के लिए। तो चलो मैं बता देता हूँ कि फ्री फायर मैक्स जो है आप लोग कब से डाउनलोड कर पाओगे। तो गाइस गरीना फ्री फायर वालों ने बोला है कि फ्री फायर मैक्स जो है वो 28 सितंबर से अवेलेबल हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। तो आप लोग मुझे बताना कि क्या आप लोग फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड करके खेलने वाले हो या फिर नहीं, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड जहाँ तक मुझे मालूम है गाइस फ्री फायर मैक्स एंड फ्री फायर का जो अगला अपडेट होने वाला है वो सेम दिन ही रिलीज़ होने वाले हैं, तो भाई बहुत सारा डाटा आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा, तो संभाल के रखना अपना नेट का डाटा, बिकॉज फ्री फायर मैक्स जो है वो लगभग 1 GB का होगा एंड फ्री फायर का जो अपडेट होगा वो लगभग 300-400 MB तक का होगा, तो लगभग आप लोगों का एक दिन का डाटा तो फ्री फायर मैक्स एंड फ्री फायर को अपडेट करने में ही चला जाएगा। चलो ठीक है, जो भी है आप लोग बस मुझे इतना बता देना क्या आप लोग फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड करके खेलोगे या फिर नहीं। A few moments later. तो अभी गाइस अपडेट की इतनी बात हो ही रही है, तो गाइस मैं आप लोगों के साथ जो एक अपडेट शेयर कर लेता हूँ जो कि है गाइस फ्री फायर के OB30 अपडेट के रिगार्डिंग। तो गाइस फ्री फायर का जो अगला अपडेट आने वाला है ना उसके बाद गाइस आप लोग जो है फ्री फायर के अंदर 8v8 कर पाओगे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है क्या कर सकते हो, क्लैश कोड के अंदर 4v4 कर सकते हो या फिर 2v2 या फिर 1v1, बट गाइस आफ्टर OB30 अपडेट 8v8 भी आप लोग कर पाओगे। उसका मैप आप लोग देख लो, जो 8v8 होने वाला है ना उसका मैप कैसा होगा स्क्रीन के ऊपर आप लोग जो है फोटो देख सकते हो। तो 8v8 का मैप तो आप लोग जो है अभी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, बट गाइस अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि आप लोग जो है 8v8 खेल कैसे पाओगे, यानी कि फ्री फायर के अंदर कोई न्यू मोड आएगा 8v8 या फिर कस्टम रूम के थ्रू आप लोगों को जो है 8v8 क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स सी फ्री फायर वाले जो है 8v8 जो न्यू सिस्टम है उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो गाइस ये तो कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करनी थी जो कि मैंने कर भी दी है। अभी गाइस मैं आप लोगों को जो है नवंबर मंथ के जो एलीट पास के बंडल्स होने वाले हैं ना वो दिखा देता हूँ। तो पहले फीमेल का बंडल दिखाऊंगा, देन आप लोगों को मेल का बंडल दिखाऊंगा। तो फीमेल का बंडल आप सभी लोग जो है अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो गाइस कुछ इस टाइप से जो है होने वाला है हमारा फीमेल का बंडल नवंबर मंथ के एलीट पास का। एंड एलीट पास के थीम के बारे में बात करा जाए तो भाई इसका जो थीम होने वाला है वो होने वाला है डेविल ड्रैगन, जैसे कि आप लोग जो है देख भी सकते हो इस बंडल के आर्म से। तो बंडल तो गाइस आप सभी जो स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, भाई कुछ ऐसा होने वाला है हमारे नवंबर मंथ के एलीट पास का बंडल। हालांकि इसका जब प्रॉपर लुकआउट होगा ना एनिमेशन के साथ तब देखने में शायद ये बंडल और ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके लिए आप लोग जो है कल का वेट करो, कल मैं आप लोगों को जो है नवंबर एंड दिसंबर दोनों मंथ के एलीट पास का प्रॉपर रिव्यू करके दिखा दूंगा। तो ये तो बात हुई गाइस एलीट पास के बंडल्स की। अभी गाइस मैं आप सभी लोगों को जो है हमारा अगला गोल्ड रॉयल बंडल भी जो है दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए शायद आप लोगों ने जो है अभी तक इस वीडियो को देखा है एंड आप लोग इंतजार कर रहे हो कि भाई हमारा अगला गोल्ड रॉयल बंडल होगा तो होगा कैसे। तो चलो ये तो मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो के अंदर दिखाने ही वाला हूँ कि हमारा अगला गोल्ड रॉयल बंडल कैसा है, बट उससे पहले मैं क्या देख रहा हूँ, आप में से जो है कुछ लोगों ने तो अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया है,
तो जिस किसी ने भी गैस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, वीडियो को लाइक कर दो। एंड कुछ लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो जिस किसी ने भी गैस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गैस, अब हम लोग देख लेते हैं हमारा गोल्ड रॉयल बंडल कैसा है। तो गाइस आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख लो भाई, कुछ ऐसा होने वाला है हमारा अगला गोल्ड रॉयल बंडल। इस बंडल के हेयर स्टाइल के बारे में हम लोग बात ना ही करें वो ही बढ़िया है, बिकॉज भाई इस बंडल का जो हेयर स्टाइल है वो कुछ अलग ही है, मतलब बिल्कुल यूनिक यार। इतना घटिया किसी के हेयर स्टाइल को कोई कैसे कर सकता है। बट बंडल को ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो शर्ट है वो ठीक ठाक है, प्लस इसकी पैंट भी ठीक ठाक है, एंड गोल्ड रॉयल के हिसाब से ये जो बंडल है वो ठीक ही है, मतलब एवरेज बंडल है। बाय द वे आप लोगों को ये बंडल कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे ये बंडल भाई कुछ खास नहीं लगा है, सच बोल रहा हूँ, मतलब बिलो एवरेज मान लो यार इस बंडल को। तो बाय द वे आप लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि भाई मुझे कैसे मालूम पड़ा कि यही बंडल आएगा गोल्ड रॉयल के अंदर। तो चलो वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आगे ये भी बताऊंगा कि मुझे कैसे मालूम पड़ा कि यही बंडल आने वाला है गोल्ड रॉयल के अंदर, एंड क्या ये बंडल 100% कन्फर्म्ड है गोल्ड रॉयल के लिए या फिर 200% कन्फर्म्ड है, ये भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। तो चलो पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मुझे कैसे मालूम पड़ा कि यही बंडल गोल्ड रॉयल के अंदर आने वाला है। तो बेसिकली हुआ क्या, कल शाम के जो है अराउंड 6 बजे के आसपास जो है फ्री फायर US सर्वर, फ्री फायर का जो अमेरिका का सर्वर है, उन्होंने जो है इंस्टाग्राम के ऊपर जो है एक पोस्ट किया। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख लो ये पोस्ट था, एंड इस पोस्ट के अंदर आप लोग देखोगे तो नीचे जो है इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि ये जो बंडल है गोल्ड रॉयल के अंदर आने वाला है। तो यहाँ से गाइस हमें मालूम पड़ा है कि ये बंडल जो है गोल्ड रॉयल के अंदर आने वाला है। एंड भाई देखो, खुद फ्री फायर वाले ही बोल रहे हैं कि ये बंडल गोल्ड रॉयल के अंदर आएगा, तो भाई 200% कन्फर्म्ड हो जाता है कि यही बंडल अब आप लोगों को जो है गोल्ड रॉयल के अंदर देखने को मिलेगा। बट गाइस वो अमेरिका का सर्वर है, इंडियन सर्वर एंड अमेरिकन सर्वर का कुछ भी लेना देना नहीं है, बट स्टिल गोल्ड रॉयल हो गया, डायमंड रॉयल हो गया, वेपन रॉयल हो गया, ये सब चीज़ें जो है हर सर्वर के अंदर जो है ऑलमोस्ट सेम होती है। ऑलमोस्ट गाइस सब सर्वर्स के अंदर जो है गोल्ड रॉयल, डायमंड रॉयल एंड वेपन रॉयल जो है सेम ही होता है, किसी किसी सर्वर के अंदर जो है अलग होता है। बट स्टिल मुझे तो यही लगता है कि भाई यही गोल्ड रॉयल बंडल होने वाला है हमारा। बट स्टिल गाइस गरीना फ्री फायर वाले जो है एंड मौके पे जो है बंडल को चेंज करते हैं, तो मैं आप लोगों को जो है वीडियो बना के बता दूंगा कि भाई अगर ये बंडल कैंसिल होता है तो कौन सा वो अगला बंडल होगा। बट गाइस अभी आप लोग मान के चलो कि यही बंडल जो है कंफर्म हो चुका है गोल्ड रॉयल के लिए, एंड इसके अंदर अब कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो गाइस अब आप सभी लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल कौन सा होने वाला है, एंड अब आप लोग जो है वीडियो को कट करके जाओ। उससे पहले गाइस आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ जो कि आप लोगों को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है गाइस 23 सितंबर से जो है फ्री फायर के अंदर जो है एक न्यू इवेंट आने वाला है, बेसिकली डिस्काउंट इवेंट होने वाला है। उसका पोस्टर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख लो। इस इवेंट के अंदर जो है आप लोगों को पैट हो गया, इमोट हो गया, इन सारे आइटम्स के ऊपर जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अभी गाइस आप में से जो है शायद हो सकता है कुछ लोग जो है इस वीडियो को 23 सितंबर के बाद देख रहे हो, तो कमेंट करके मुझे बता देना कि ये इवेंट जो है गेम के अंदर आ गया है या फिर नहीं आ गया है। तो ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। गाइस आप लोगों को जो है लेफ्ट साइड में वीडियो की फोटो दिख रही होगी मेरे भाई, इस फोटो पे आप लोग क्लिक करके ये जान सकते हो हमारा अगला डायमंड रॉयल बंडल कैसा होने वाला है। तो सोच क्या रहे हो भाई, लेफ्ट साइड में वीडियो की फोटो है, अभी इस फोटो पर क्लिक करो एंड क्लिक करके जान लो हमारा अगला डायमंड रॉयल बंडल कैसा होगा। लेफ्ट साइड में वीडियो की फोटो है, अभी इस फोटो पर क्लिक करो यार।